ये आम का तालाब है, वार्ड नंबर 41 आता है। यहाँ पे नौरथमल जी गहलोत वार्ड पार्षद हैं, और यहाँ पे जो ग्राम जो जो लोग हैं उन्होंने बार बार शिकायत की है इस संबंध में, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और अब ये एक बड़ा रेल हादसे को न्योता दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हर 10 मिनट के अंदर एक ट्रेन गुजरती है, और ट्रेन जिस जगह से गुजर रही है वहाँ पे जो पुलिया है वो पूरी लबालब भरी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है। तो ये बरसात के दौरान ही, इस पुलिया के नीचे पानी नहीं है, ये हमेशा ही भरा रहता है। तो ये एक बड़ा हादसा है। और दूसरा, जो लोग जो रह रहे हैं, नाले की सफाई नहीं होने के कारण लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, नगर निगम से कहना चाहता हूँ कि इसकी और ध्यान दें, और रेलवे के अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा रेल हादसा जो न्योता दे रहा है, इस ओर ध्यान दें और इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई बार करें। बार कोई गिरने की स्थिति पे हो रहा है, बिल्कुल गिरने की स्थिति पे हो रहा है, और ट्रेनें भी कोई तरीके का कोई निर्देश नहीं है, इतनी फास्ट गति से यहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं। कभी भी हादसा होगा तो ट्रेनें तो के साथ तो हादसा ही होगा होगा, और जो मकान है वो भी यहाँ पे टूटेंगे गिरेंगे, और मतलब जन धन दोनों की हानि यहाँ पे होने की संभावना है। तो मैं चेताना चाहता हूँ वार्ड नंबर 41 की ओर से कि इस ओर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। 3 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला कलेक्टर के वहाँ पे आके धरना देंगे, और मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे ज्ञापन देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सिल्वेस्टर है, वार्ड नंबर 41 से। 41 नंबर वार्ड है, लेकिन हम है ना 2012 से सफरिंग कर रहे हैं, आए दिन पानी आता है, आए दिन प्रॉब्लम होती है, इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकालता। जब देखो बोलते हैं आते इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन हमारे घर में तो खूब पानी भर रहा है, गिरने की चांसेस है, इतनी स्थिति है, यहाँ पर ट्रेन अलग निकलती, कभी भी कोई भी ऐसा हो जाए, छोटे बच्चे हैं, हम खुद प्रॉब्लम में रह रहे हैं, लेकिन इसका कोई निर्धारण नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा मकान तक गिर गया, ये देखो इतना टूट रहा है, ये देख लीजिए सामने के सामने हो रहा है, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और हम गंदे गंदे पानी में रहते हैं, बीमारी आए दिन हम लोग बीमार रहते हैं, आते हैं मीडिया वाले, बरसात से भी वैसे भी गंदगी में रह रहे हम, इतना सॉल्यूशन करते हैं, सब कुछ भी नहीं हो रहा जी। हाँ बिल्कुल आता है पानी, अभी भी आप देख लीजिए पानी भरा पड़ा, लेकिन आते हैं मीडिया वाले, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं करके जाते हमारे को जी। नहीं ना, इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि बारिश में तो है ही है, बारिश में हमारे घरों में पानी भर जाता है, आधे से ज्यादा हमारे रूम तक आ जाता है, लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ है। और नाले का जो चुंगी से नाला चल रहा है, उसे हमने कितनी शिकायतें कर दी, लेकिन वो भी उसका भी कुछ नहीं हो रहा। वो नाले का पानी हमारे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ट्रांसफार्मर भी पास में है, ट्रांसफार्मर से हमें भी करंट हो सकता है, और हमारे करंट आता भी है, जब बारिश आती है तब तो है ही है, लेकिन ये ऐसे भी अदरवाइज भी भरा ही रहता है पूरा का पूरा नाला, जबकि हम कितनी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। पार्षद को भी, पार्षद यहाँ पे देख के जा चुके हैं, हमारे घर से निकले भी हैं, उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं करा। हमारे पार्षद का नाम है नौरथमल गहलोत, और मेरा नाम है एलिस खेलवी।